और ना मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में बैठा हूं, परमात्मा के रूप में वो सोचते हैं तो मैं बैठा कहां हूं? साधु संग न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयं च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, आप कहां पे विराजमान है? तो प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं कि जहां पे मेरे भक्त, क्या बोला? न हम तिष्ठामि वैकुंठे, पहले बोल दिया मैं वैकुंठ में नहीं हूं, परंतु सोचो मैं वैकुंठ में बैठा हूं। न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयं च, बड़े बड़े योगी अपनी समाधि लगा के भगवान को याद कर रहे, कहते हैं मैं वहां भी नहीं हूं। योगिनां हृदयं च मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जहां पे मेरा नाम ले रहे हैं तत्र तिष्ठामि, वो नारद में वही बैठा हूं। तो आज भगवान साक्षात हमारे साथ है, जहां पे संत लोग हैं वहां पे भगवान नहीं होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान वहीं बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भाई वैकुंठ में भी नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं जहां पे मेरे संत लोग मुझे याद करते हैं मैं वहां पर ही हूं। अब हम चलते हैं श्री मूर्ति रा श्रद्धा या सेवाना। ये श्रद्धा कैसे आती है? ये श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा मतलब विश्वास। आप सब लोगों में विश्वास है? क्या विश्वास? मेरे सब इस संसारी काम हो जाएंगे, अपने आप होंगे, इसलिए मैं भगवान की हरि कथा सुन रहा हूं। ये श्रद्धा की पहली सीढ़ी है। संतों के संग में आके इस श्रद्धा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मंदिरों की कमी हिंदुस्तान में है नहीं, लेकिन ऐसे मंदिर जहां पे ऐसी हरि कथा चलेगी जो रूप गोस्वामी के अनुगत में चलेगी। तो उन्होंने कहा साधु संघ। अब ये साधु संघ की महिमा ये क्या है? भगवान ने फिर बोला श्रीमद् भागवत में, न रोधते च माम योगो, मेरे को नहीं रोधते मतलब रोकना, मुझे किसी तरह से भी कोई रोक नहीं सकता ना पकड़ सकता। न रोधते च माम योगो, मां मुझे योगो मतलब योग शक्ति से, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान और उसके बाद समाधि तक पहुंचते, कहते वो मुझे नहीं पकड़ सकते। न रोधते च माम योगो न साख्यम धर्ममी बचा, जो साख्य योग में चले जाते हैं कहते हैं अरे भाई ये पांच तत्व का शरीर है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो छोड़ जाती है तो इसलिए ये शरीर मृत घोषित करा जाता है। तो ये पांच तत्व हो गए, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। ऐसी गिनते गिनते वो कहते हैं अरे ये संसार में जितनी भी है ये 24 संख्या कर लेते हैं वो, ये जितनी भी चीजें हैं उसके बाद आत्मा अलग है उसको गिनते हैं 25, उसके बाद 26 गिनते हैं परमात्मा को, कहते हैं भाई ये गिन गिनाव से भी वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। न साख्यम धर्ममीवाचा न स्व अध्याय तपो त्यागा, स्व अध्याय मतलब बड़े बड़े वेद पढ़ने से, स्व अध्ययन करने से, न स्व अध्याय अरे बड़े बड़े अध्ययन करने से, बड़े बड़े वेद पढ़ने से और श्लोक उच्चारण करने से भी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, मैं नहीं रुका जा सकता। न स्व अध्याय तपो त्यागा, बड़ी बड़ी तपस्या करने से भी नहीं, तो मैं कैसे पकड़ा जाता हूं, मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा? भगवान ने सब कुछ बोल दिया, मैं इससे भी नहीं पकड़ा जाता, इससे भी नहीं। श्रीमद् भागवतम न रोधते च माम योगो न साख्यम धर्ममीवाचा न स्वध्याय तपो त्यागा, त्याग करने से। अरे भाई मैं बहुत बड़े पिता का पुत्र था, मैंने त्याग कर दिया तो भगवान बड़े खुश होंगे, ऐसा भी नहीं है। त्याग से भी भगवान पकड़े जाते, न स्वध्याय तपो त्यागा न इष्ट पुरुतम न दक्षिणा, बड़े बड़े दान दक्षिणा करने से भी, और इष्ट पुरुतम मतलब बड़े बड़े कुएं खुदवाने से, अरे लोगों की प्यास बुझवाने से, और बड़े बड़े कुएं खोद दिए, बड़े अस्पताल बना दिए, इससे भी मैं नहीं पकड़ा जाता। तो कहते हैं भाई अगर कुएं नहीं खुदवाए आदमी प्यासा रहेगा तो कहते हैं जीवन की असली प्यास है क्या? एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति को आप एक टाइम का खाना तो दे सकते हैं, 2 घंटे बाद फिर प्यासा हो जाता है, उसको अच्छे कपड़े तो दे सकते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो कपड़े भी उसके फट जाते हैं, तो उसको किस चीज की प्यास है? हम सबको एक चीज की प्यास है, हम उस इस संसार में एक आनंद खोज रहे हैं, हमें एक आनंद चाहिए। और वो आनंद क्या है? वो आत्मा का प्रेम। जब तक वो भगवान के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ता, वो प्रेम इस संसार में धोखा खाता रहता है। हमने वही प्रेम जो भगवान से करना था इस संसार से कर बैठे और आज इसीलिए हम धोखा खा गए हैं।
तो यही कह के, क्योंकि अभी समय कम है, अगर शाम को महाराज कुछ मौका देंगे तो हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मंदिर आम मंदिर जैसा ना समझना, लाखों मंदिर खुल के रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में प्रचार है कि जिस हृदय को बदलाव किया जाए कृष्ण प्रेम से, उसी को मंदिर बोलेंगे। तो आज से हम मंदिर की यही डेस्टिनेशन देते हैं कि जहां पे हरि कथा सुन के हमारे हृदय की इस संसार की आसक्ति छूट के राधा कृष्ण और संतों के चरणों में पहले पड़े, फिर वो राधा कृष्ण के चरणों तक जाएगी, वो इस मंदिर का कार्य है। ये सिर्फ हमारे भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज का कार्य नहीं, इन्होंने एक आप लोगों को एक इंसेंटिव दिया है, आओ आओ, मैंने इतना कुछ कर दिया, अब आओ और अब आके सुनो हरि कथा और इन सबको सुनाओ, ताकि पूरे अंबाला शहर को हम उसी हरि कथा में डबो दें और जितनी भी प्यासी जीव आत्माएं हैं जो इस संसार में दुखी हैं उनको असली पानी पिलाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये तत्व को श्रवण कर रहे थे कि मंदिर निर्माण का और मंदिर का अर्थ क्या होता है, मंदिर में और गौड़िया मठ में क्या भेद है, इस पर कुछ उन्होंने तत्व प्रकाशित किया। मैं विभिन्न प्रांतों से आए मंच पर आसीन वैष्णवों को और आप सभी को जो निमंत्रण दिया, आप सबको जो अंबाला में कमेटी, जो ये सोसाइटी के सदस्य जिन्होंने इतना परिश्रम किया है, इतना परिश्रम कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, दिन रात परिश्रम करके और इतना सब आयोजन करने का जो सफलता प्राप्त हो रही है, इनका श्रेय इन सबको जाता है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, आप एक बार सब खड़े हो जाइए, महाराज जी का आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने ही सब परिश्रम किया, आप सभी इनका एक बार स्वागत कीजिए ताली के साथ। तानम पाविनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं मदीय दीक्षागम शिक्षागम दे नित्यलाल विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्यलाल विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंतपुटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्ति विद्यानी भारती महाराज एवं मंचस्थ कृतज्ञ पात्र ब्रह्मचारी सन्यासी एवं सभी वैष्णववृंद, तुम सभी आप लोग उपस्थित सभी को मेरा यथार्थ प्रणाम। आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है कि हम यहाँ पर एक मंदिर की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। अभी अभी प्रभु जी रुझन बता रहे हैं इस संसार में मंदिरों की कमी नहीं है और गौड़ी मठ को वार्तिक बता रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की धारा में, चैतन्य महाप्रभु के बाद चैतन्य महाप्रभु जी जो छह गोस्वामी थे उन्होंने वृंदावन की फिर से प्रतिष्ठा की, वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर स्थापित हुए, किंतु काल का प्रभाव ऐसा है, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। वृंदावन मंदिर उन्होंने बनाने के बाद महापुरुष से पहले वृंदावन गुप्त था, फिर से वृंदावन प्रकटित हुआ, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकटित होते हैं, अप्रकटित होते हैं। संसार कितना विशाल है, हम एक जन्म में क्या कितनी जन्म घर करके तब भी इसका देखने का तो दूर बार स्पर्श करने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि भगवान ऐसे हैं अपने भक्तों को भेजते हैं बीच। और संसार में अगर हम भगवान को देखना ही चाहें, विरुद्ध तो मतांतर है, कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, कुछ लोग भगवान को मानने वाले हैं, मानते भी हैं तो किसकी उसको भगवान माने, इसमें तो बहुत ही विधवा विवाद है। तो इसके अंदर न जाकर के हम अपने भक्तों की बात करते हैं। भगवान संसार में आकर के अपने भक्तों को ही आनंद प्रदान करते हैं, मैं कल ही बता रहा था। विशेष करके मंदिरों में और मठ में क्या फर्क है, अभी इसका नाम पूज्य वेद हो गया मठ है,
देखिए मठ शब्द मठ और एक मंदिर होता है, मंदिर नहीं कहा, मंदिरों में भगवान विराजते हैं और मठों में भगवान विराजते, पता है मटंती वसंती छात्रा ऐसे गृह किसको कहती है, गृह किसको कहते पता है, गृहिणा ग्रह उच्छते, जिस घर में गृहिणी है उसको घर कहेंगे, बिना गृहिणी का घर नहीं होता है। ऐसे मठ में जहां पर मठ में आध्यात्मिक छात्र वास करते हैं, वेद वेदांत इतिहास पर भगवान के शास्त्रों को भगवान की वाणी को स्वयं अध्ययन करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। इसलिए शंकराचार्य, अगर आपने सुना होगा शंकराचार्य जो हमारे ठीक है वो हमारे मायावादी फिलोसॉफी में अगर प्रचारित की है, किंतु उन्होंने जहाँ जहाँ चार दिशाओं में चार की स्थापना की, इस संसार की वर्ण व्यवस्था को ही लागू करने के लिए सही, संसार में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको ठीक ठाक पालन करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इसको चार पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में चार मठों की स्थापना की और ब्राह्मण संस्कृति को और संसार में अध्ययन अध्यापन यज्ञ संस्कृति आगे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने चार दिशा में चार मठों की स्थापना कर दी थी। संसार चलाने के लिए भी उसकी जरूरत है, ऐसे ही मठों को मैंने बताया, मठ मतलब आध्यात्मिक छात्र जो घर में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए भी तो कोई स्थान चाहिए। सभी लोग ऐसा तो आप नहीं कह सकते भी सभी घर में रहो, हम ये भी नहीं सकते घर घर छाट के सबके मठ में आओ, उसको छोड़ के आएंगे फिर बोले अरे सब लोग घर छोड़ के जाएंगे तो संसार कैसा चलेगा, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ के नीचे हजारों बीज पड़े हैं, उस सभी बीज कोई पेड़ नहीं होंगे, इसलिए ये चिंता हमारी चिंता नहीं है, भगवान चिंता करने वाले हैं। अरे भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि कुछ लोग त्याग करते विरक्त हैं तो उनको भी रहने के स्थान उनको घर अच्छा करते हैं, इसलिए भी मठ मठ करते अपना ग्रेजुएशन होते होते या कोई पोस्ट ग्रेजुएट होते होते 20-22 साल लगते थे, तो ये ब्रह्मचर्य अवस्था ग्रहण करते हैं, उसके बाद में आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, ग्रस्त के बाद 50 साल के बाद आपको वन में प्रवेश करना, घर को छोड़ दीजिए नहीं तो आपको जरूरी छोड़ाना पड़ेगा, इसके लिए शास्त्र में आ गया के बाद वानप्रस्थ घन कीजिए, जिनको संसार में नहीं जाना है शिवलिंग उनके लिए हमारा या श्रम खुला था, यहाँ पर जो घर में जाता है वो आराम से घर में रहे संसार में, फिर भी चारों, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको संसार में रहते हुए कैसे रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु भी पहले वेद अध्ययन किया, शास्त्र अध्ययन किया, फिर गृहस्थ में चले गए, फिर संन्यास ग्रहण किया, चारों वर्ण आश्रम भी यदि कृष्ण नहीं भजे, चार वर्ण आश्रम भी ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास किसके लिए बने हैं, अगर इन्होंने भजन नहीं किया तो ये लोग सब कुछ करते हुए भी उनके लिए रौरव नरक जाना पड़ेगा, इसलिए कहा चार वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे स्वस्व कर्म करते उसको रौरवित पड़ी गई, 88 प्रकार के नरकों के वर्णन का होते हैं, उसमें एक रौरव नामक नरक तो उस नरक में जाना पड़ेगा। अगर आपने हमने क्या किया, घरदार बाड़ी कमरा मकान दुकान बाल बच्चे सब कर लिया, क्या किया इससे क्या होता है, इसमें तो पशु पक्षी भी उनको बिना कुछ किए 10-10 बच्चे पैदा करने वाले हमें सुअर, तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मठ मंदिरों की स्थापना, भागवत में एक श्लोक आता है, जब मैं भी मंदिर में है तभी हमको अच्छा लगता था, हमें तो जन्म से ही इसमें आए हैं, अभी तो संसार से थे और संसार में इसमें आए हैं, तो वनन तो सात्विक यहाँ पर आए थे वो नहीं आके और साढ़े की तो अभी तो कॉलोनी बन जाएगी बताने के लिए, वनन तो सात्विक वास है, गृहम राजसम क्षति तामसम तो मध्य निकेतन, बोले वन में वास करना कोई